हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 24 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है मुंबई, सी है प्रयागराज और डी है चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में फरवरी 2021 में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। यह 9वां संभागीय बागवानी और सब्जियों का त्यौहार था जिसमें किसानों, सरकारी संस्थानों और पड़ोसी जिलों की पंजीकृत नर्सरी मालिकों ने 16 श्रेणियों में भाग लिया। महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करना था। तो ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये वाराणसी में आयोजित किया गया। तो वाराणसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ। और वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी में कौन से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो 21वां कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1905 में। और 21वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 21वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको वाराणसी से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जो लगभग कितने करोड़ रुपए का है। ऑप्शन नंबर ए है 1,40,000 करोड़ रुपए, बी है 2,50,000, सी है 5,50,270 और डी है 7,00,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5,50,270 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2021 को लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यह यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये आपको याद रखना है, यह यूपी का सबसे बड़ा बजट है अब तक का। और उत्तर प्रदेश में ये जो बजट है 2021 का, ये पेपरलेस बजट पेश किया गया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसमें सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और यूपी का जो पेपरलेस बजट है ये किसने पेश किया? तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश का पेश किया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का मकसद महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? तो 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं और एक सीट जो है एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीट्स हैं। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 100। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं।
और उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक परियोजना है रेहंद परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये रेहंद नदी पर है। और उत्तर प्रदेश में है रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर है। और उत्तर प्रदेश में है शारदा परियोजना, ये शारदा और गोमती नदी पर स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित याद रखनी है। और जो भी हम आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बताते हैं ये आप लोग एक बुक में नोट कर लिया करो ताकि आपको दोबारा से रिवीजन करने में आसानी हो और आपको अच्छे से याद हो सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 लैब बनेगी? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है कानपुर, सी है इटावा और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज के लिए बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 की दूसरी लैब खुलने से देश अज्ञात वायरस, बैक्टीरिया व फंगस से फैलने वाली जानलेवा बीमारियों से डटकर मुकाबला कर सकेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के बाद KGMU में स्थापित होने वाली यह देश की दूसरी BSL-4 लैब होगी, यानी बायो सेफ्टी लेवल 4 ये देश में पुणे के बाद स्थापित होने वाली दूसरी बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब होगी। तो ये कहाँ पर होगी? ये लखनऊ में स्थापित की जा रही है। तो लखनऊ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लखनऊ में कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो 15वां, 32वां और 50वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो है 32वां अधिवेशन, क्योंकि 32वें अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और ये 32वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में, 1916 में 32वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। और लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ये लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है सलमान खान, सी है ऋतिक रोशन और डी है अमिताभ बच्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने 20 फरवरी 2021 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और दीपिका पादुकोण ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। उन्होंने क्रमशः अपनी फिल्म लक्ष्मी और छपाक के लिए पुरस्कार जीता, यानी कि जो अक्षय कुमार हैं उन्हें लक्ष्मी फिल्म के लिए दिया गया और जो दीपिका पादुकोण हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो छपाक फिल्म के लिए दिया गया। छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है जो ये छपाक फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तन्हा जी द अनसंग वॉरियर, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इस मूवी को दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्हें मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा? क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड
सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमोघा मिसाइल, बी है सूर्या मिसाइल, सी है प्रहार मिसाइल और डी है VLSRSAM मिसाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी VLSRSAM। भारत में ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का 2 बार सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने बताया कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। और आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये जो मिसाइल है VLSRSAM ये भारत में ही निर्मित मिसाइल है, तो इसे DRDO ने बनाया है। तो DRDO के बारे में जानते हैं, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। तो ये सारी चीजें आपको DRDO से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? ऑप्शन नंबर ए है सचिन तेंदुलकर, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है विराट कोहली और डी है युवराज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। सचिन अन अकेडमी के लिए लाइव इंटरेक्टिव कक्षाओं की मेजबानी करेंगे जिनसे छात्र बिना किसी शुल्क के जुड़ सकेंगे। अन अकेडमी के सह संस्थापक व CEO गौरव मुंजाल ने कहा कि सचिन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो आपको याद रखना है कि अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किसने किया है? तो सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी है नागालैंड, सी है असम और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 साल बाद पहली बार नागालैंड राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य था। हालांकि राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है, यानी कि विधानसभा के अंदर जो है राष्ट्रगान बजाया जाता है। लेकिन जो नागालैंड ये राज्य है, यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके अंदर राष्ट्रगान बजाया गया है और ये 60 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर नागालैंड की बात है तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर ए है नितिन गडकरी, बी है राजनाथ सिंह, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया। इस पुस्तक में 1939 में शुरुआत के साथ CRPF का गौरवशाली इतिहास है और CRPF की यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और बलिदानों का विस्तृत और गहन शोध किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो ये भी आपको याद रखना है और ये पुस्तक आपको याद रखना है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए है थावरचंद गहलोत, बी है एस जयशंकर,
सी है रमेश पोखरियाल निशंक और डी है स्मृति ईरानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 19 फरवरी 2021 को ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी देगी और कार्यक्रमों के संपूर्ण कैलेंडर को दिखाएगी। तो ब्रिक्स 2021 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो दोस्तों ये थे 24 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, सालू। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।